आज हमारे घर में आए हुए मेरी सासू माँ की सहेली हैं, उनसे मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए। तो उनके लिए बन रहा है खाना। तो पहले हमने सोचा था कि दाल भात बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, लेकिन फिर प्लान थोड़ा चेंज हो गया। उन्होंने बोला कि हम चावल नहीं खाते, तो फिर प्लान चेंज हुआ इंस्टेंट। फिर हमने गोभी की सब्जी, रोटी और दाल, चावल और सलाद का मेन्यू रखा और रायता बना दिया था। तो फटाफट फिर चेंज करने के बाद हमने गोभी की सब्जी काटी और उसके बाद आटा गूंथ दिया था मैंने फटाफट। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी ने मेरी हेल्प करी और दाल के लिए प्याज और लहसुन छील दिया है, अदरक काट दिया है। तो यहाँ पर गोभी की सब्जी बनाई और वो जो बन चुकी है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर गोभी अभी दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। दाल उबली हुई थी तो फिर टाइम नहीं लगा ज़्यादा। सलाद भी मेरे हस्बैंड जी ने काट दिया है और धनिया काट दिया है। तब तक फिर उसके मैंने ये थालियाँ निकाल दी थी उनको सर्व करने के लिए। फटाफट इनको वॉश कर लेती, वैसे तो साफ़ ही थी, पर थोड़ा सा साफ़ करना बनता ही है। तो इसके बाद मैंने इनको अच्छे से साफ़ किया, पोछ पाछ के खाना उनके लिए लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी यहाँ पर खाना बन चुका है, दाल बन चुकी है, तो उसके ऊपर से मैंने उसको हरे धनिए से गार्निश किया। और ये हमारे मेहमान क्या हो गया फिर लगा देना स्टेटस पे। हाँ। अपने सास के लगा देना यूट्यूब में, देखना आप। हाँ? यूट्यूब में डालती हूँ सही तरह से। फिर मैंने उनसे पूछ के ही उनकी वीडियो बनाई एक, और वो बोल रहे थे क्यों बना रही हूँ। तो मैंने बोला कि मैं एक चैनल है, आप लोग देखना वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिया और उन्होंने मुझे दिए दो लिफाफे। बहुत अच्छा लगा आज की वीडियो, इतनी ही अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।